नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि चिल्ड्रन की फ़ोटोज़ इस वाले बैकग्राउंड में कैसे बनाना है। बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो चूक जाती है। तो बिल्कुल नॉर्मल वे में बैकग्राउंड है, बाकी इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फोटो सब से रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसको कट कर देने वाला हूँ और यहाँ से रेंडमली तीन फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये मैंने बना के रखा था, यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको फाइल में ओपन हो जाएगी, फोटोशॉप में पूरी फाइलें। और यहाँ से मैं एक रेंडम साइज चूज़ करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं इसका साइज़ चेंज कर देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को थंबनेल में लगाऊँगा। 16:9 का साइज़ दूंगा मैं यहाँ पर, और रिजोल्यूशन 150 का ही ठीक है। यहाँ 16:9 और यहाँ पर 150 का ही पर्याप्त हो जाएगा मेरी समझ से। जैसे रिजोल्यूशन दूंगा ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, और इसको ठीक ही यहाँ पर भी बेहतर है। और ये देखेंगे, यहाँ पर एक गलती मैं ये कर रहा था कि ये जो बॉर्डर लाइन के ऊपर जा रहा था, ये देखेंगे लाइन के ऊपर आ रहा था, इसको मैं ध्यान नहीं दे पाया था। अभी वापस से मैं ध्यान दूंगा इस चीज़ में। ये चीज़ हो गई, और ये जो बैकग्राउंड है इसे ऐसे ही रहने देने वाला हूँ मैं। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ अगर मुझे लगता है तो, बस इतना काफ़ी है। ये बैकग्राउंड सेट हो चुका है। यहाँ पर जो देखेंगे पहली वाली पीएचडी को सिलेक्ट में आएंगे, आल में क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर देंगे, और यहाँ से क्लोज हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से कंट्रोल की बटन दबाते हुए इस वाले लेयर को थंबनेल में एक्टिव रखेंगे। जैसे एक्टिव करेंगे ऐसा हो जाएगा। फिर ये वाला टूल ले लेंगे और यहाँ से शिफ्ट की बटन दबाए रखेंगे, यहाँ क्लिक रख देंगे, यहाँ क्लिक रखेंगे, और यहाँ से मैं इसको ट्रैक करने वाला हूँ इधर तक के। बस इतना हो गया, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगा। यहाँ तक हो गया, और यहाँ से आएंगे और स्पेशल पेस्ट में यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये चीज़ सेट हो जाएगी, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। इधर पे ड्रैग करने के बाद में बस इतना काफ़ी है, और इसको रख देंगे। यहाँ पर बना लूँगा एक मास्क, मैं यहाँ पर एक्टिव रहते हुए एक मास्क बनाऊँगा। मास्क बनाने के बाद ब्रश वाले टूल में आएंगे और यहाँ से इस वाले मास्क को एक्टिव रखते हुए इधर पर वाइट ब्लैक, और यहाँ से सॉरी ये एक लेयर में आ गया है इसलिए इसमें मास्क काम नहीं करेगा। इसका मास्क को डिलीट मास्क कर देता हूँ, और यहाँ से इरेसर टूल चलाऊँगा। सिर्फ इस वाले मास्क को एक्टिव रखते हुए यहाँ से इरेसर टूल चलाऊँगा। जैसे इरेसर टूल चलाऊँगा देखेंगे यहाँ से सारी चीज़ें इरेस होने लग जाएगी जो जो मुझे नहीं चाहिए। बस इतना काफ़ी है, और ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, वो क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये जो मास्क है ज़बरदस्ती में इनेबल हो चुका था, शिफ्ट के साथ भी इसको बंद चालू कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ रहा था। अब देखेंगे पर्याप्त मात्रा से बिल्कुल सही तरीके में सही वे में आ चुका है। आ जाने के बाद में इसका आप फेड को थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से इसके लेयर मोड को भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग साइजेस में, अगर बेहतर जो साइज लगेगा आप उसको चूज़ कर पाएंगे। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल ही रहने देने वाला हूँ, और यहाँ से इसको इरेज कर दूँगा थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। बस इतना पर्याप्त है मेरे समझ से। बस अब यहाँ से दो फोटो है, एक फ़ोटो है, यहाँ से इसको इतना क्रॉप कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको क्रॉप कर लूँगा। क्रॉप कर लेने के बाद में दोनों एक लेयर क्या है देख लेंगे। ये फर्स्ट वाला लेयर जो है पीएचडी है, और सेकेंड वाला लेयर बाल वाला है। तो दोनों ही लेयर सही है अपनी जगह, दोनों को ही मैं उठा के ले जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर छोड़ दूँगा। और यहाँ आने के बाद इसको सबसे टॉप में लेके आऊँगा दोनों ही लेयर को, इधर टॉप में सबसे ऊपर आ गए, और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। ये हो गया एडजस्ट, और बस इतना काफ़ी है मेरे समझ से। और यहाँ पर इस वाले लेयर पे रहते हुए दोनों को अनलिंक करूँगा, मैं दोनों को अनलिंक कर दूँगा, और नीचे वाले लेयर करूँगा मल्टीप्लाई में क्लिक, और यहाँ से ब्राइटनेस में क्लिक करूँगा, और ये ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा तो बैकग्राउंड एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको इरेज करूँगा, इरेसर टूल से आएँगे यहाँ इरेसर टूल, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा। ये इरेज कर दिया मैंने, और ये वाली जो फर्स्ट वाला लेयर है इसको भी थोड़ा थोड़ा इरेज करूँगा। देखेंगे ये बाल जो चाहिए थे मुझे 50% ये चीज़ आ गई है, बस इतना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा, इधर कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा, इधर आके एडजस्टमेंट, और यहाँ से सिलेक्टिव कलर में
इसको फिल कर दूंगा, बस इतना काफ़ी है। और दोनों ही लेयर पे रहते हुए इस वाले लेयर को ऊपर ला लेंगे, इस वाले लेयर को सबसे टॉप में ला लेंगे, बस यहाँ से आपका काम खत्म हो चुका है। और इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर दिख रहा होगा तो, बस इतना काफ़ी। और देखा आपने बहुत ही आसानी से ये चीज़ बनके तैयार हो गई। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पीछे वाले लेयर को मैंने मल्टीप्लाई में क्लिक रखा है इस वाले को, बाकी ये जो है पहला लेयर जो है ये क्या है, ये हमारा ओरिजिनल लेयर है। सेकेंड वाला लेयर जो है ये हमारा हेयर है, थोड़े से बाल हैं, जो इसको मल्टीप्लाई में क्लिक कर दिया। अगर इसको नॉर्मल कर दूंगा तो वाइट हो जाएगा, देखेंगे ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई में क्लिक रखेंगे। और फर्स्ट वाला जो लेयर है वो बॉर्डर है, इसलिए फोटो कुछ इस तरह से। और ये वाला जो लेयर है यहाँ पर हमने अंदर पेस्ट किया है, बस। बाकी बैकग्राउंड आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहिए हो तो कमेंट कर दो, मैं देखूंगा, कोशिश रहेगी कि इस बैकग्राउंड को आप तक पहुँचा सकूँ। तो यार कैसा लगा ट्यूटोरियल कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। इसमें कोई भी चीज़ अगर डिफ़िकल्ट लगती हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछो, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये है, ये कौन सा बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर जो है ये गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो उसके लिए क्या करना होगा, नंबर दो वाले लेयर पे रहते हुए यहाँ से वाला टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इतना इसको सिलेक्शन बनाऊँगा, डिलीट में क्लिक कर दूँगा, हट जाएगा। तो बेहद ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बाकी और इसमें कमी दिखेगी तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है इसको भी सुधार पाएंगे। ये बॉर्डर भी ऑलरेडी डला हुआ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी बेहतर है। और मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ ऐसे कर पाएंगे आप बेहद ही आसानी से। तो फिलहाल के लिए सिर्फ यही चीज़ थी, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई चीज़ समझनी हो, जाननी हो, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे आओ, मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।